वो आगे चलता कीजिए एक बार तो फिर बुलंद आवाज से सलावत इस्लाम दीन तअज़ीम है। इस्लाम दीन तअज़ीम लाज़िम तअज़ीम है और वाजिब है तअज़ीम का पास मकामात पे बदरजे होना। जो हमारा खालिक है वो भी वाजिब तअज़ीम है। तअज़ीम ये है उसके अलावा किसी और को माबूद न मानना। अल्लाह की तअज़ीम ये है अल्लाह को मान लेना। ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन तअज़ीम क्या है? क्या है कि अल्लाह को मानना और झूठे खुदाओं का इनकार करना। ये अल्लाह की तअज़ीम है। रसूल की तअज़ीम क्या है? क्या है कि रसूल को खातमुल मुरसलीन मानना, रहमतुल लिल आलमीन मानना, और उनके नाम पे जब भी आए सलावत भेजना। वली की तअज़ीम क्या है? क्या है वली भी वाजिबुल तअज़ीम, अल्लाह वाजिबुल तअज़ीम, रसूल वाजिबुल तअज़ीम, वली वाजिबुल तअज़ीम। वली की तअज़ीम ये है कि उसको फासले से ना मानना, बिला फसल मानना। वरना जहां तक बात है मानने की, हैदर को वलीउल्लाह सब मानते हैं, इमाम सब मानते हैं, रहबर सब मानते हैं, आपका सब मानते हैं, लेकिन फर्क है। तअज़ीम ये है बिला फसल मानना। फसल के साथ मानना तअज़ीम नहीं है। वास्ता ना हो, जरिया ना हो, जिस मकाम पे जिस अहमियत से रिसालत को माना, उसी अंदाज में, उसी अहमियत में वली को मानना, ये समझ के मानना वो रसूल है, रिसालत खत्म है, ये वली है, विलायत शुरू है। इस्लाम क्या है? दीन है, तअज़ीम। तअज़ीम पे बेस है इस्लाम। तअज़ीम नहीं है, कुछ बच्चा दुनिया में आया, रसूल का फरमान है, बच्चा माँ की गोद में आया, तो क्या किया जाता है उसको? अभी दुनिया में आया, उसको क्या इल्म सिखाया जाता है? बेअदबी पढ़ाई जाती है। बच्चा दुनिया में आया, उसको रियाजी सिखाई जाती है, रियाजी नाम है, या दो एकम दो, दो चार, दो या छः पढ़ाया जाता है। नहीं, दुनिया में आता है, ए बी सी डी ई एफ जी सिखाई जाती है। अलिफ बे में ते से ही पढ़ाया जाता है। नहीं, नहीं पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? दाएं कान में अजान कही जाती है, और बाएं कान में इकामत कही जाती है, अजान क्या है, इकामत क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह। तो जो फरमाते हैं तो जो इल्म बच्चे को दुनिया में आते साथ ही सिखाया जाता है वो ये तीन गवाहियां हैं। कहाँ बैठे हैं? तौहीद की गवाही है, रसूल की गवाही है, और विलायत की गवाही है। ये बच्चे के दुनिया में आते साथ जो इल्म पढ़ाया जाता है वो ये है। अब इंतकाल हो गया, कब्र में भी इल्म हासिल करो। कब्र में क्या जवाब दे? पढ़ाया वो तो बच्चा था, जब जान भी दिया तो बिल्कुल मर गया, रूह ही नहीं बदल रही। नहीं, मिलाओ
मर गया दुनिया से चला गया, क्या करें क्या करें, इल्म दे उसको, दे उसको 20-25 किताबें रखवा दे, जब फरिश्ते आए आए तो उनका जवाब क्या देना है, जब वो पूछे मन रब्बो तो कहे अल्लाह जल्ला जलालुहु रब्बी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी वो अली इमामी व हसन इमामी व हुसैन इमामी व अली व हुसैन इमामी वो मोहम्मद इब्न अली इमामी व जाफर इब्न मोहम्मद इमामी व मूसा इब्न जाफर इमामी व अली इब्न मूसा रजा इमामी वो मोहम्मद इब्न अली इमामी व अली इब्न मोहम्मद इमामी व हसन इब्न अली इमामी व हुज्जत इब्न हसन जिसको दुनिया में आदत नहीं है अली वली अल्लाह कहने की, वो कब्र में क्या कहेगा, जिसको दुनिया में आदत नहीं है या हुसैन अदरिकनी कहने की, वो कब्र में क्या कहेगा। एक एक काफला जा रहा था तो उसमें एक खातून थी, एक बच्ची 14-15 साल की, 20 साल की कहते हैं, लेकिन इतनी बूढ़ी हो गई कि उसके सर के सारे बाल सफेद हो गए। एक सवाल पढ़ दीजिए बाबा ने पढ़ा, इन्हीं के कहने पे, इन्हीं की दरखास्त पे मैं आपकी खिदमत में आ जाता हूँ। अशरे के वाली हैं, ज़हमत करते हैं और कई मकाम पे अशरे करवा रहे हैं, दुआ फरमाए खुदा उनके ज़मीन और आसमान की तमाम हाजात को पूरा करे और इनको कोई गम ना दे सवाए गमे मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। और जो जो मजालिस में आए हैं खुदा इनको कभी भी किसी गम में मुब्तला ना करे। अब ये बच्ची जो है ये बूढ़ी हो गई है, चला नहीं जाता है, इससे पूछा कि तेरे साथ हुआ क्या, 14-15 या 20 साल की उम्र है, जवानी है और बुढ़ी हो रही है। कहती असल में हम बाबा हमारे मर चुके थे, हम दो बहन भाई थे, भाई का इंतकाल हुआ, दुनिया से चला गया। मैं इतना रोई अपने भाई के लिए, अब मैं तन्हा रही, मैं करूं तो क्या क्या, तो भाई चला गया। अब जनाजा उठा, मोहल्ले वाले आए, मैं भी जनाजे के साथ फिरती हुई जा रही हूँ, जनाजा जाके कब्रिस्तान में दफन कर दफन कर, मैंने कब्र में एक सुराख सा रख दिया कि वापस चली गई। फिर मैं आई, मैंने कहा देखो मेरे भाई के साथ होता क्या, मेरे भाई का क्या हाल होता है कब्र में, क्या होगा मेरे भाई के साथ, मोहब्बत थी। कहते मैं आप देख रही हूँ, मैंने क्या मंजर देखा कि कब्र एकदम नूरानी नूरानी रोशन हुई और देखा कि दो अजीब वो गरीब किस्म की शक्लें जिनके चेहरे से खौफ था, कब्र में आई और देखा ये कुर्सी आई है कि जब कब्र में आके सज गई नूर की बनी हुई कुर्सी। कहते मैं ये देख रही है, ये कुर्सी क्या है, ये क्या है, ये कौन है, मेरा भैया कब हुआ। कहते भी मैं देख ही रही थी, मैंने देखा कि एक शख्सियत खरामा चलती हुई आई इस कुर्सी पे चलवा चलो। कहते हैं वो जो दो शख्सियतें थी उनके हाथ में आग के गुर्द थे। उन्होंने सवाल किया मन रब्बो,
कहते मेरे भाई ने कांपना शुरू कर दिया। वो शख्सियत की आवाज आई, डरता क्यों है? कह दे अल्लाह जल्ला जलालहू रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, मन नबी यो, तेरा नबी कौन है? फिर उस शख्सियत की आवाज आई, कह दे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी। मेरे नबी है, नबी है। फिर उन्होंने पूछा, मन इमामो, तेरा इमाम कौन है? यौम नज़ुरु कुल्लु नासिर बे इमामिहिम, कयामत के दिन हम हर एक को उसके इमाम के जरिए पुकारेंगे। तो जिसको दुनिया में अली का नाम अच्छा नहीं लगता वो क्या करेगा? वो क्या जाएगा? क्योंकि अली के जरिए उसे वक्त जाया होता है। अली के फजाइल में क्या रखा जब कहा जाएगा, अली के मानने वाले क्या जाएगा? आएगा, हिम्मत होगी, जाके दिखाए फरिश्तों ने, रोक ना लिया तो फिर बाप किधर? ये तो अली के आशिकों की जगह जा रहा हूँ, तो तेरा इमाम है जिसके नाम से तेरी तबीयत खराब हुई थी उसके लश्कर में जा रहा था। क्या हटाओ, मारे मारो, तेरा इमाम कौन है? ये जुमला कहना था। अब कहते मैं देख रही हूँ उस शख्सियत की तरफ क्यों बताएं। तो कहते उस शख्सियत ने भी कुछ नहीं कहा। एक सलवात पढ़ दे, शायद खवातीन की आवाज कुछ कम हो जाए। आप जनाब कहा जी मन इमाम कोई जवाब नहीं आया, नहीं आया। आप सूरत हाल ये हुई कि जब कोई जवाब ना आया उस शख्सियत की तरफ से तो आप परेशान रहे कि क्या होगा। ना मेरे भाई को जवाब आया, ना उसने बताया उस शख्सियत की तरफ से। कहते अभी मैं ये देख ही रही थी आग का गुर्ज रूठा और मेरे भाई के बदन पे वो गुर्ज पड़ा है। कहते पूरी पूरी पर आग से भर गए, भर गए। उसकी एक चंगारी बल्कि धुआं हुआ मुझ पे आया है, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे बाल सफेद हो गए। एक चंगारी का धुआं हुआ कदम बूढ़ी हो गई। जो मैं अभी इस वक्त इतनी जो बूढ़ी लग रही हूँ ये वो उस धुएं का असर है जो कब्र से आया था। कहते हैं कि एकदम मैंने देखा मंजर बदला, कब्र तारीख हो गई, दोबारा रोशनी हुई, शख्सी जो चेहरे वाले आए अजीब गरीब चेहरे वाले, कुर्सी आई वही मंजर वही सवाल, दूसरा सवाल उन्होंने बताया, तीसरे सवाल का जवाब उन्होंने भी नहीं दिया, वही मंजर हुआ, फिर कुर्सी पड़ा मैं पीछे हट गई, दोबारा कब्र आपसे बाप से बात। कहते तीसरी मरतबा फिर वही मंजर जाहिर हुआ, कहते अब जो मंजर जाहिर हुआ, अब जो मंजर जाहिर हुआ, तो कहते मैंने देखा कि वही शख्सियत जाहिर हुई और उन्होंने पूछा तेरा रब कौन है, उन्होंने बताया तेरा नबी कौन है, उन्होंने बताया। अब जब पूछा तेरा इमाम कौन है तो उन्होंने कोई जवाब ना दिया। इमाम का सवाल कब्र में किया जाएगा? याद रखना, जितनी दुनिया में या अली कहने की रिहर्सल करते रहोगे कब्र में तकलीफ नहीं होगी। अली तेरा इमाम कौन है? उस शख्सियत ने कुछ ना बताया, मैं बहन थी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने आगे बढ़ के कहा ऐ नूरानी शख्सियत, ऐ नूरानी हकीकत, ऐ वो जिसके चेहरे से नूर साते हैं, मेरे भाई की आप पहले मदद करते हैं तौहीद के मसले पे, नबूवत के मसले पे, इसको ये भी बता दे इसका इमाम कौन है। तो उस हस्ती की आवाज आई, जरूर बता देता अगर ये मुझे दुनिया में मानता होता, जरूर बता, जरूर बता। तो मुझे मानता ही नहीं, मानता था नहीं मानता। ये तो मेरी नाम सुन के भागता था, ये तो मेरे जिक्र को कहता था वक्त जाया होता है, ये तो मेरे फजाइल पे मुंह बनाता था, इसको मैं बताऊं तेरा इमाम कौन है, ये तो मुझे अपना इमाम समझता ही नहीं था। क्या बात,
खुशकिस्मत है वो शख्स जिसको अली का नाम अच्छा लगता है। खुशकिस्मत है वो इंसान जो मौला के फजाइल सुन के अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तुझे मुझे तूने मुझे इनकी फजीलत को बर्दाश्त करने की तौफीक दी। बहुत बड़ा ज़र्फ़ चाहिए जो हैदर को बर्दाश्त कर सके। अजीज़ो सलाम दीन तालीम है बात आई थी बच्चे से यानी कुछ नहीं सिखाया जाता बच्चे को, तालीम सिखाई जाती है। बच्चा एक साल का बोलना शुरू होता है तो उसको तू नहीं बताया जाता, आप बताया जाता है। ये बाप है, आप है, सलाम करो, झुको। ये माँ है, माँ की तालीम करो। ये चचा है, ये दादा है, उनकी तालीम सिखाई जाती है। अब जब कोई आता है तो बच्चा सलाम करता है, अहवाल पुरसी करता है, तो कहा जाता है माँ बाप की तरबियत कितनी अच्छी है, तो जब फरमा रहे। लेकिन अगर कोई आया तो बच्चा तादीम ना करे तो क्या कहा जाता है माँ बाप की तरबियत बड़ी खराब है। तादीम बच्चा नहीं कर रहा, तरबियत माँ की खराब। अच्छा बड़ा असर होता है। अच्छा मैं एक साहब के घर में गया जहाँ खीर वहाँ मौलवियों की भीड़, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात भी नहीं है, थोड़ी बहुत खा लेते हैं। जहाँ दाल वहाँ मौलवियों की हड़ताल, ये भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दाल सबसे ज्यादा पसंद है। कुछ एक खास तौर पर जैसे मौलवी के पास आए ना, ये बाद में ये नजर नया वाले खास मौलवी है, इनको मुल्ला कहा जाता है। उनका एक बंदा आया कहते हैं मौलवी साहब, नया घर में। अच्छा नया कहाँ है आपका घर? आपका घर अच्छा क्या बनाया नया दाल है और रोटी है। कभी कहाँ है घर? है घर कभी ये पीछे वाली जो गली है ना वहाँ पर, वो पीछे वाली गली मैं नहीं हंस रहा थोड़ा मुश्किल। दूसरा बंदा आता है आ गया तो मौलवी साहब वो नियाज है, यहाँ चलेंगे। कभी क्या बनाया? कभी ये फज्जे के पाए बशीर की मछली है, बंदूक है कबाब है, और ये कोई थोड़ी बहुत नारी है मोहम्मद, और ये चार पांच चीजें और थोड़ा सा हलवा है, और ये बालूशाही है, और ये सब चीज थोड़ी सी चीजें। कभी घर आपका दाल पर था जी, वो डिफेंस में कहता ये डिफेंस में ये नहीं। अब मैं क्या, ये मेरे साथ पेश आया तजीम ही बच्चे पे बड़ा असर डाला। अगर तादीम है बच्चे को सिखाइए तो बड़ा असर डाला। मैं ये अजीज के घर में, नाम है भी अजीज, शर्म आती है बताते चले, कोई मसला नहीं। मैं गया तो उन्होंने मुझे दाल और रोटी दी तो ला के रख दी, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो थोड़ी देर के बाद देखा वो बच्चा आके मुझे कहता है, अंकल आपने जाना नहीं है। मैंने कहा बेटा अभी बैठा हूँ, कभी चाय वाय पी लूँ थोड़ी देर, तो चला जाऊंगा। थोड़ी देर बाद फिर आगे कहते अंकल आप जाए ना है ना। मैंने कहा बेटा चला जाऊंगा, क्या मसला है? आपने कहीं जाना नहीं, हमने कहीं नहीं जाना, आप कब जाएंगे? बेटा थोड़ी देर इंतजार करो, मैं इतनी दूर से आया, चला जाऊंगा। अंकल जाए ना है ना। अभी क्या, अच्छा रिश्तेदारी भी करीबी है, दूर की नहीं है, बड़ी करीबी रिश्तेदारी। अंकल जाए जलाना शुरू करना चाहिए, बेटा बात तो बताओ क्या बात है। बाबू आमले के आए हैं तो अम्मी ये कह रही है जब तक अंकल नहीं जाएंगे मैं नहीं छोड़ूंगी। ईरान में वैसे भी काम नहीं करते, इन्होंने नहीं छोड़ने। तो ये बच्चे की तरबियत जो है बड़ा असर डालता है। जब उसने ये जुमला का माँ फौरन आए, पर कभी शर्म नहीं आती। मैंने कहा कोई बात नहीं, खाए मैं नहीं खाऊंगा। तो ये बच्चा अगर बादल है तो क्या औला बाप पे जाती है, माँ पे जाती है। लेकिन अगर बेटा औलाद बदतमीजी करे तो किस पे जाती है? बाप पे, माँ पे, कि इन्होंने तरबियत नहीं दी। अब सवाल ये है, रसूलुल्लाह के मुरब्बी का नाम है अबू तालिब, और जरिए फरमा रहे
है कोई बेटा बाप से पूछे कलमा आता है, बेटा बाप से पूछे तुझे कलमा आता है, तादीन के खिलाफ है। तो जो दुनियावी रोटी कपड़ा मकान आपको देता है उससे नहीं पूछ सकते कलमा आता है, जो रसूलुल्लाह को गोद में बिठाए, जो रसूलुल्लाह को गोद में बिठाए उसके लिए कोई पूछे कलमा आता है। तो नाउज़ बिल्ला जो हजरत अबू तालिब की तौहीन करते हैं वो हजरत अबू तालिब की नहीं नहीं रिसालत की तौहीन करते हैं। फिरौन ने जुमला सुनिएगा तो भाई साहब, फिरौन ने हजरत मूसा को गोद में बिठाना चाहा, फिरौन काफिर था, गोद में बिठाना चाहे गोद में बिठाओ तो कुरान है हजरत मूसा ने खींच के तमाचा लगाया, मैं काफिर की गोद में नहीं बैठता। एक कुरान से एक हदीस से, हदीस से दवाइयां दो होती हैं, होती हैं, फेल एक है, एक है अमल एक है, एक है। इधर फिरौन ने तमाचा खाया, आया उधर अबू जहल उठाने के लिए आगे आया है हैदर करार को, अबू जहल आगे आया है हैदर करार को उठाने के लिए, तो फिर ऐसा तमाचा लगा मुंह पे फिरौन का तो मुंह सीधा हो गया, इसका फिर सीधा नहीं हुआ। उसका तो सीधा हो गया, इसका सीधा नहीं हुआ, आप पूछेंगे क्यों सीधा नहीं हुआ, सारी जिंदगी ऐसे चलता फिर हम तो फिर ऐसे चलता था, ये हो जाता ना ऐसा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चलता। अब सवाल करेंगे भाई क्यों सीधा क्यों नहीं हुआ, हो जाता सीधा थप्पड़ लगाता बाद में सीधा हो जाता, भाई बार से माजरा माजरा वो मूसा का हाथ, मूसा का हाथ था, ये अली का नहीं अल्लाह का हाथ है, अल्लाह का हाथ लग गया किसी मुंह पे सीधा होता ना होता कोई होता। एक आदमी था बड़ा बड़ा मुनकर अमीर उमड़ी, बड़ा मुनकर मुनकर नंबर वन किस्म का टॉप क्लास क्लास एमबीए किया वो लोग मुनकर मौलाए कहलाए, बड़ी जबरदस्त किस्म की तहरीरें ढूंढ ये क्या है ये किस जिक्र में क्या है क्या है। जब मरा है ना, मरा है ना तो ख्वाब में आया, आप आया तो पूछा हाँ भाई क्या तेरा हिसाब किताब रहा, कहते ये सब जो मौलवी कहते हैं झूठ है, झूठ है ये जो सब मौलवी कहते हैं ना मिंबर पर सब झूठ है, क्या क्या कब्र में हिसाब होगा किताब होगा मुर्गे लगी रहेंगे, कहते इधर मेरी रूह निकली साहब का चलो सीधा जहन्नम कोई मेरा हिसाब किताब होगा ही नहीं, पूछा ही नहीं, तेरा हिसाब किताब दुनिया में हो गया, तुझे अली का नाम अच्छा नहीं लगता बिस्मिल्लाह। इधर से रूह निकली उधर उधर शादी मार एक्स मार सीधा कर अच्छा कर अच्छा पहले फरमा रहे एक सवाब तो पढ़ते बाबा दे बोला ना मुझे फरमा रहे ये है ताजी ताजी तौहीन रसूल को बर्दाश्त नहीं हुई, नहीं हुई काम रसूल रसूल जो उस वाय हसाये हसाये जो जो अखलाक का पैकर पैकर जिसके मुंह से किसी ने बद जबानी नहीं सुनी, नहीं सुनी ओजड़ी गिराई गई रसूल के ऊपर नमाज की हालत में, हंसता रहा हंसता रहा रसूल के ऊपर कांटे फेंके गए हंसता रहा हंसता रहा मुस्कुरा दुआएं देता है देता वो औरत जो कूड़ा फेंकती थी रसूल उसकी आवाज पर सी इतना उस वाले हसना का मालिक रसूल रसूल नारे
मैदान है खंदक का, जंगे खंदक का, तो पगडंडी की एक छोटी छोटी खंदक खुदी भी थी, और एक छोटी सी पगडंडी जो है वो आमर इब्न अब्दु वहां से अंदर आ गया, और आगे कहता तुम्हारे रसूल ने ये कहा है कि मर जाओगे तो शहीद हो गए, जन्नती हो गई, मारोगे तो शहीद हो गए, आओ किसने जन्नत ले ली। अब उसने जब ये जुमला कहा, अच्छा हमारे पाकिस्तान का एक कानून है, माशाल्लाह सब लोग तशरीफ फरमा है, हर फील्ड का आदमी है, तो बल्कि दुनिया का एक कानून है जिसको फौज का ला कहते हैं, उसमें ये है फौज का कानून है, कि अगर जंग हो रही हो रही हो रही तो अपने लश्कर में कोई शख्स ये कहे कि भाई भाई इंडिया के पास बड़ा असला है खतरनाक किस्म का, और अपनी फौज के जज्बात को कमजोर करे, तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक शूट ये फसाद पैदा कर रहा है फौज में, इसको कत्ल कर दिया जाए, ये कानून है, अकली बात है कि अगर कोई फौज के जज्बात को कमजोर करे, हमारी दुआ है परवरदिगार आलम हमारी फौज को, हमारी पुलिस को इतनी ताकत अता करे, कुव्वत दे ताकि ये दुश्मनों का मुकाबला कर सके। अच्छा कानून है कि फौज में अगर कोई रोग वो पैदा करे तो उसकी सजा कत्ल। अब ये आया ना जब अमर इब्न अब्दु तो एक शख्स खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह, अच्छा दोनों हिम्मत की उठ रही, उसने जब ये जुमला क्या बोल रही है, या रसूल अल्लाह, तब ये सही नहीं फुजूल हो जाता है निकल बोल करके, कहता या रसूल अल्लाह मैं एक दफा जब होता था ना काफिले तो ये मेरे साथ था, सामने से हजार का लश्कर आ गया, तो इसने ऊंट के बच्चे की खाल बना के सबको भगा दिया, बड़ा खतरनाक है या रसूल अल्लाह तो गए। अब जो बेचारे हिम्मत कर भी रहे थे वो भी बैठ गए, या रसूल अल्लाह ठीक है सुलह सफाई ज्यादा बेहतर होती है, क्या जरूरत है लड़ने की, तो जो आम फौज में फसाद पैदा करे वो भी इधर है, जो रसूल की फौज में करे तो वो भी जरा कुछ ना कुछ तो मुस्तैद होगा ना। अच्छा आप जब आपने ये तौहीन की तो रसूल को वो रसूल जो अखलाक का पैकर है फरमाता है मन लिहाज़ कर, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाएगा, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाएगा। या रसूल अल्लाह आप तो उसवे हसना के मालिक हैं, आप तो रहमतुल आलमीन हैं, आप देख नहीं रहे तौहीन कर रहा है, हमारे कुत्ता वाला नहीं क्योंकि हैदर ने मुकाबले पे जाना था, और जब हमारे आए कुफे का दरबार है असदुल्लाह गालिब अला कुल्ले गालिब अल मतलूब ले कुल्ले गालिब, इमाम मशारिक व मगारिब तशरीफ फरमा है खुतबा दे रहे हैं, अन अल्लज़ी इस्मी इज़ा कुतिबा अलस समावात फ़क़ामत, जब मेरा नाम आसमान पे लिखा गया तो आसमान ज़रा सतों के खड़ा हो गया, मेरा नाम जमीन पे आया तो जमीन को उतारा।